पूर्व गोविंदगंज विधायक राजन तिवारी के सौजन्य से नरकटियागंज पीएचसी हॉस्पिटल में लगा सैनिटाइजर मशीन। न्यूज 9 टाइम्स नरकटियागंज से अमित कुमार बरनवाल की रिपोर्ट। तो आम हुआ उसमें आप लोगों को हॉस्पिटल में क्या कहना पड़ेगा? ये है कि जनता के हित के लिए, जनता की सुरक्षा के लिए पूर्व विधायक माननीय श्री राजन तिवारी जी अपने अच्छी खोज से दो सैनिटाइजिंग मशीन भेजे हैं, जो एक हॉस्पिटल में अभी लग गया है और एक अभी जाकर प्रखंड में लगने वाला है। और इस संदर्भ में हमारे युवा लोजपा के नेता इंजीनियर नौशाद शाह, हमारे आर समाज के प्रधान कैलाश राउत जी, भाजपा के वरीय नेता केदार प्रसाद जी, आस मोहम्मद साहब और इस तरह करके बहुत सारे हमारे सभी कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हुए हैं और उन्होंने इसको लगाने का उनका उद्देश्य है कि यहाँ की जनता को, नगरियागंज विधानसभा क्षेत्र की जनता को राहत मिले, सुरक्षा मिले, उसी के लिए हम लोग आए। वो नहीं आ सके क्योंकि उनको कोविड-19 का पॉजिटिव हुआ है, इसके चलते वो उपस्थित नहीं हुए और हम लोगों को आग्रह किए, निर्देश दिए कि आप लोग उपस्थित होकर इस काम को करा दीजिए। सर क्या नाम हुआ? अखिलेश राज। धन्यवाद। आप आईटी सेल के लोजपा के नगर अध्यक्ष हैं, जो सैनिटाइजिंग मशीन जो लगी, सर इस पर क्या कहना है आपका? माननीय राजन तिवारी जी के सहयोग से ये सैनिटाइजर मशीन लगी हुई है, जिससे सभी नगरवासी लाभान्वित होंगे। मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ माननीय राजन तिवारी जी को, जो आप नरकटियागंज शहर के लिए आप अमूल्य योगदान कर रहे हैं और मैं चाहता हूँ आप हमेशा वैसे ही अमूल्य योगदान करते रहें। आपको कोटि कोटि नमन है और हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। क्या कहेगा मुन्ना जी इस पे? हमारे माननीय पूर्व विधायक राजन तिवारी जी के तरफ से सम्राइज मोदी लगी है, जिससे हमारे पूरी विधानसभा के लोगों की सहकर्ता यहाँ उपस्थित है। हमारे सहयोग से बहुत बड़ी सहयोग है, इसलिए इसमें विशेष आप क्या कहेंगे लोजपा के? आप बढ़िया नेता हैं, देखिए आप इस महामारी से, जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, इसमें सोशल डिस्टेंस और सैनिटाइजर ये दो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिससे हम इस महामारी से बचा जा सकता है। और श्री राजन तिवारी जी ने एक अपना सहयोग देकर नरकटियागंज की जनता के लिए, खास करके ये अस्पताल परिसर में मरीज के साथ बहुत सारे लोग गार्जियंस आते हैं और उसमें ये एक अहम भूमिका अदा करेगा ये ऑटोमेटिक सैनिटाइजर मशीन, और हम इस महामारी से अपने आप को बचाव कर सकते हैं। ठीक है सर, धन्यवाद। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को लाइक करें और हाँ, YouTube पे बेल आइकन दबाना ना भूलें।